जय दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। और भाई जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आई एम सो सॉरी, ये वाली वीडियो आते हुए थोड़ा वक्त लग गया कि भाई टाटा नेक्सॉन और मारुति की फ्रॉन्क्स को कंपेयर करो। एक्चुअली पहले मैं सोचता रहा कि यार क्या कंपेयर करूं मैं, मुझे थोड़ा सा ये था कि यार फ्रॉन्क्स थोड़ी सी हैचबैक लगती है, पर मैं अपनी इंस्टिंक्ट के अलावा, यार अपनी गट फीलिंग के अलावा कॉमन सेंस पे गया कि यार मारुति ने तो इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी ही बोला है ना, इसके रेट्स तो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले ही रखे हैं ना। चाहे दिखने में भले ही ये छोटी लगती हो हैचबैक, बट कंपनी इज क्लेमिंग कि भाई ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो चलो इसको टाटा नेक्सॉन से भिड़ाते हैं और देखते हैं कि आज कौन जीतेगा, कौन किसको पटक पटक के मारेगा। जिसको भी जो भी कार पसंद हो, जो भी जिस कार से प्यार करता हो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलो बड़ा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कार के प्राइसेस की, तो भाई नेक्सॉन का बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है 9,30,000 रुपए से। वहीं पे फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 8,60,000 रुपए से। सेफ्टी की अगर हम बात करें बिल्ड की यहाँ पर, तो नेक्सॉन ने रिसेंटली ही भाई खिताब ले लिया है, ताज ले लिया है 5-स्टार ग्लोबल एनकैप का। भाई 6 एयरबैग देती है कंपनी बेस मॉडल से, ही बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को ये। कंपैरेटिवली यहाँ पे बेस मॉडल से आपको 6 बैग नहीं मिलते हैं फ्रॉन्क्स में। फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट नेक्सॉन ने खुद ही करा है, और टेस्ट देखने के बाद यार देखो मैंने काफी टेस्ट देखे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये 5-स्टार है, पर मुझे कई ऐसे लाइक 4.25 या 4 के आसपास लगती है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि कभी भी जब क्रैश टेस्ट होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक पता चलता है कि भाई जो पैसेंजर होता है वहाँ तक कितनी ज़्यादा टकरा रही है गाड़ी ड्राइवर को। तो यहाँ पर इसके टेस्ट को मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये जीत गए कि सबसे ऊपर ही चले गए, तो 4.25 या 4 में सेटल कर लेते हैं कि भाई इतनी थोड़ी बहुत आपको सेफ्टियाँ मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कार के इंजन की, जो कि हो जाता है कार का दिल। अगर आपको कार के इंजन पे स्पेसिफिकली वीडियो देखनी हो तो कल मैंने बनाकर डाली थी, उसको आप चेक कर सकते हो, जिसमें कार के सारे इंजन को कंपेयर करा है अलग अलग तरह के। और भाई यहाँ पर स्कोडा भी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकर आ रही है, उसकी वीडियो भी आज मैंने डाल दी थी, इस वीडियो के बाद देखना, बीच में मत चले जाना, पहले से देख लो। यहाँ पर अगर हम बात करें कार के इंजन की, तो भाई टाटा बेस मॉडल से ही आपको टर्बो इंजन दे रही है 1.2 लीटर का। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, क्योंकि टाटा नेक्सॉन का हो जाता है 3 सिलेंडर इंजन। अब दोनों इंजन को बारीकी से समझते हैं। देखो अगर हम बात करें पावर की, तो भाई टाटा नेक्सॉन की पावर है ज़्यादा। अगर आप सिंपली इसको हाईवे पे भगा रहे हो ना फ्रॉन्क्स के साथ, तो भाई कहीं स्टैंड नहीं करती, टाटा बिल्कुल आगे निकल जाएगी तीर तलवार की तरह। यहाँ पर इसकी वजह से कुछ अलग फैक्टर्स भी क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को टर्बो लैग फील हो सकता है अगर आप हिली एरिया में जा रहे हो, थोड़ी सी चढ़ाई कर रहे हो। शहरों में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स लग सकती है यहाँ पे। इवन कुछ लोगों ने रिपोर्ट कराया कि उसका इंजन उनको जो थोड़ा सा है लाइक रफ लगता है, थोड़ा नॉइसी लगता है। पर आपको यहाँ पर किसी की बात नहीं सुननी है, आपको खुद जाकर कार चलानी है अगर आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता है। क्योंकि नॉइस आना, वाइब्रेशन फील होना, इंजन अच्छा ना लगना, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, हो सकता है आपको रियलाइज़ भी ना हो। अगर आपको होती है तो इस पर मैटर करना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉन्क्स के इंजन के बारे में। फ्रॉन्क्स में आपको बहुत ही स्मूथ इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन है, तो कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई नॉइस नहीं है। ये इंजन भी अच्छी खासी कैपेबिलिटी रखता है 130-140 पर भागने की। ये इंजन के साथ आप फ्रॉन्क्स को लेकर आराम से नॉन टर्बो में भी पहाड़ी एरियाज में जा सकते हो। फ्रॉन्क्स में आपको टर्बो इंजन मिलता है 1 लीटर का, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। इवन नेक्सॉन के अंदर ऑप्शन है 1.5 लीटर के इंजन का डीजल। यहाँ पर आपको डीजल नहीं अवेलेबल है फ्रॉन्क्स में, ना ही आपको 1.5 का ऑप्शन अवेलेबल है इंजन का। कंपैरेटिवली पर आपको यहाँ पर सीएनजी मिल जाती है फ्रॉन्क्स के अंदर, जिससे आप ज़्यादा माइलेज ले सकते हो। माइलेज से याद आया कि देखो टर्बो इंजन जो यहाँ पे नेक्सॉन का, आपको थोड़ी सी कम माइलेज देगा। कंपनी बोलती है कि भाई 18 तक आ जाएगी, और फ्रॉन्क्स की बात करें तो कंपनी बोलती है 21 तक आ जाएगी। और एज़ पर यूज़र डेटा जो मैंने चेक करा है भाई, ज़्यादातर ना देखो फ्रॉन्क्स की माइलेज जो 1.2 नॉर्मल वाला है उसकी आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नेक्सॉन। अब बात कर लेते हैं कार के फीचर्स की। देखो टाटा नेक्सॉन में कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल हो जाते हैं, जो फ्रॉन्क्स में नहीं मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है आपका सनरूफ, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑप्शन साथ ही में ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, वेंटिलेटेड सीट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मैप की नेविगेशन। अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के यूनिक फीचर्स की, तो यहाँ पर एक ऐसा फीचर है जो आपको नेक्सॉन में नहीं मिलता, वो हो जाता है हेड्सअप डिस्प्ले HUD, जो ड्राइवर साइड के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि मीटर के ऊपर एक डिस्प्ले खुलती है, वो आपको वही चीज़ दिखाता है जो नीचे मीटर में आ रही है। बस फर्क ये होता है कि वो ड्राइवर को बिल्कुल फोकस रखता है, वो यहाँ वहाँ देखे बिना, नीचे आंखें करे बिना, सीधा वहाँ पर देख के अपनी आँख के लेवल पे
गाड़ी चलाता रह सकता है, माइलेज देख सकता है और अपनी स्पीड भी देख सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि भाई नेक्सॉन भी सीएनजी में चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मेरी एक और वीडियो है नेक्सॉन सीएनजी के ऊपर, आप चैनल पर जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कार के डायमेंशन की, जहां पर टाटा नेक्सॉन ने पटक पटक के मारा है फ्रॉन्क्स को, क्योंकि यार डायमेंशन के मामले में वो उसे कम्पीट नहीं कर सकती। पर मेरी क्या गलती है भाई, मारुति खुद ही कह रही है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मुझे तो पहले ही पता था हैचबैक वाली है। अगर आप बूट स्पेस देखो, डायमेंशन देखो, व्हील बेस देखो, काफी जगहों पर नियरली हर जगह ही फ्रॉन्क्स जो है पिटती हुई नजर आ रही है, और सारी चीजें डायमेंशन के मामले में नेक्सॉन की ज्यादा हो जाती है। और एक चीज है जो यहाँ पे आपको सेम मिलती है, वो हो जाता है कार का व्हील बेस, यानी कि जब आप कार के अंदर बैठेंगे तो आपको काफी अच्छा लेगरूम मिलेगा नेक्सॉन के बराबर ही। मोस्ट ऑफ द कार्स के अंदर कॉम्पैक्ट एसयूवी में इतना ही व्हील बेस है 2500 mm, जिसका मतलब ये है कि भाई जो ड्राइवर वाला जो बंदा ड्राइवर है अपनी सीट अगर पीछे भी करता है तो पीछे वाले पैसेंजर के घुटने वगैरह नहीं लगेंगे, वो रिलैक्स होके बैठ जाएगा। अंत में बचता है बूट स्पेस, वहां पर आपको नजर आ ही रहा होगा कि वो भी काफी ज्यादा हो जाता है नेक्सॉन का यहाँ पर, और फ्रॉन्क्स का बूट स्पेस कहीं स्टैंड नहीं करता। मेरे चैनल पे आपको फ्रॉन्क्स की वीडियो मिल जाएगी, नेक्सॉन की जो शोरूम वाली वीडियोज है वो भी मिल जाएंगी, उस पर मैंने बूट स्पेस रिवील कराया है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन जो ये बचता है कि भाई खरीदनी कौन सी है, क्या आपको नेक्सॉन खरीदनी चाहिए या फिर आपको फ्रॉन्क खरीदनी चाहिए। देखो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आपको ये निर्धारित करना है कि आपका ड्राइविंग स्किल कैसा है। इन दोनों कार्स के अंदर सबसे बड़ा फर्क आ जाता है डायमेंशंस का, कि आप इतना पैसा लगाकर थोड़ी सी छोटी दिखने वाली कार लेना चाहते हो या फिर थोड़ी बड़ी दिखने वाली कार लेना चाहते हो। इवन दो फ्रॉन्क्स इज अ रियली अमेजिंग कार, भाई इतनी बिक रही है, ये अपनी ही सेल खा गई है, बलिनो की, स्विफ्ट की, सबकी सेल खा गई है, कुछ तो ब्रेजा की सेल भी खा गई है क्योंकि ब्रेजा की वेटिंग ज़्यादा है। तो इस कार को बिल्कुल भी आप हल्के में तो नहीं ले सकते हो। कंपैरेटिवली नेक्सॉन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको इंजन में पावर चाहिए, आपको स्मूथनेस वगैरह नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आपको नेक्सॉन लेनी बनती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रॉन्क्स की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ों के बारे में। देखो अगर आप एक बिगिनर हो, आप कार स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोग बलिनो लेते हैं, कुछ स्विफ्ट लेते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है फ्रॉन्क्स ले सकते हो। अच्छी बात है, ये बहुत ईजी टू ड्राइव है, थोड़ी छोटी होने के कारण आपको ड्राइव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा इसकी लाइक ओवरऑल आप ना आराम से निकाल पाओगे, आपको थोड़ा सा इजी टू ड्राइव लगेगी ये कार। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है पिलर्स की, माइलेज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर, और क्योंकि लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है, व्हील बेस सेम ही है, तो जो लोग बैठेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर जो कार की अपीयरेंस है वो भी नई हो जाती है। मारुति फ्रॉन्क्स की रीसेल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेक्सॉन, ये मैं आपको एडवांस में बताकर चल रहा हूँ। इवन तो पैसा आप नियर बाय लगाओगे, पर रीसेल के मामले में कल को आप फ्रॉन्क्स बेचो, भाई साहब लाइन लगा के लोग खड़े रहेंगे, नई कार है, मारुति की कार है, तो रिटर्न बहुत अच्छा है इसके ऊपर। अगर आप आज 9 लाख रुपए लगाते हो, 5 साल बाद भी बेचोगे तो भाई 4-5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए आपके, आग बंद करके वापस आ जाएंगे आपके पास। हाँ बस कार की कंडीशन सही रखना, उसका कंडम मत कर देना, कंडम मत कर देना। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें नेक्सॉन की, तो यहाँ पर आपको पावर मिलती है, सेफ्टी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, थोड़ी बड़ी कार मिलती है। तो ये थोड़ा सा मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिन्होंने पहले टाटा की कोई कार चला रखी हो, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा की पंच या पुरानी वाली नेक्सॉन, थोड़ी सी ड्राइविंग आती हो एटलीस्ट, ताकि वो समझ पाए। बाकी रही बात इंजन की, स्मूथनेस की, वाइब्रेशन की, जैसा मैंने कहा था किसी के कहने पे नहीं जाना है, आपको खुद चलाकर देखना है। अगर ऐसा कोई फैक्टर आपको लगता है तो ही वहां पर परेशान होना, अदरवाइज खरीद लेना। बाकी थोड़े से टर्बो लैग के इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो टर्बो है वो एक पर्टिकुलर आरपीएम के बाद इंट्रोड्यूस होता है, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना आपके लिए मेजर कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर वो भी आपको नोटिस ही नहीं होता है तो आप ले सकते हो, वहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा यार कि फ्रॉन्क्स के रेट थोड़े से कम रखने चाहिए थे, क्योंकि साइज उसका जो है थोड़ा सा छोटा है, हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बलिनो, i20 एक्सेट्रा, बट स्टिल मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार रुपये इसका रेट और कम हो सकता था तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता। बट आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमने कंपेयर कर दिया। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो कमेंट करना, बिल्कुल बात करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और दिन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।